अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिनकी जुबान पर देखिए हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र हर घड़ी रहता है। पूर्वोत्तर का चाणक्य इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। नॉर्थ ईस्ट में देखिए कमल खिलाने के पीछे का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। बिस्वा हिंदुत्व विचारधारा के साथ प्रदेश की सत्ता को विकास की राह पर लेकर जा रहे हैं। और आज अगर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर देते हुए नजर भी आता है तो नाम सिर्फ बिस्वा ही है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य देख रहे हैं, लेकिन उनकी ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि देखिए बिस्वा भी इसी रेस में दौड़ रहे हैं। आज अगर बुलडोजर बाबा डंके की चोट पर भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हैं, खुलकर बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो दूसरी तरफ बिस्वा भी हिंदुत्व का जमकर प्रचार करते हैं, कांग्रेसियों को मुगलों की नई फौज बताते हैं और देश को मदरसा मुक्त बनाने की भी बात कहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा कहने वाले बिस्वा ने इस बार देखिए इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। करुणानिधि के पोते और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना बीते दिनों कोरोना से की थी। सनातन को जड़ से मिटाने की उन्होंने बात क्या कही, पूरे देश में बवाल मच गया। सनातन को लेकर उदय स्टालिन की बयानबाजी पर देश का संत समाज इस वक्त सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। उदय स्टालिन का सनातन विरोधी बयान इस वक्त मोदी विरोध में खड़े 26 दलों की एकता के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। मोदी विरोधियों को ये समझ नहीं आ रहा कि डीएमके के इस विवादित बयान पर पर्दा कैसे डाला जाए। तो सनातन धर्म को अपमानित करने का काम इस बार डीएमके के इस चिराग ने जो किया है, उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यूं तो देखे सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सनातन को खत्म करने का आरोप इस वक्त लगा रही है। सनातन धर्म को लेकर विपक्षी पार्टियों की नीयत को नापाक बताया जा रहा है, तो वहीं जब कांग्रेस ने सनातन विवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ा तो बिस्वा आग बबूला हो गए। उन्होंने इस बार न सिर्फ सनातन विरोधियों की बखिया उधेड़ी है, इसके साथ ही साथ इस्लाम पर जो बात कही उससे राजनीतिक गलियारों में फिलहाल हड़कंप मच गया है। स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात सिदंबरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दो या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दो, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है, एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है, वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है, उनका इशारा में ही लोग ये सब बात बोलते हैं। मैं उनसे मैं बोला ना, उनसे मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस है। ये स्टालिन का बेटा जो बोलता है या खड़गे जो बोलते हैं या कार्टी सिदंबरम जो बोलते हैं, किसका इशारा में बोलता है? आप तो किंग पिन तक जाना पड़ेगा ना। ये पूरा कांग्रेस का कॉन्स्पिरेसी है कि भारत में हिंदुइज्म और सनातन को खत्म करने का। तो इसीलिए भारत का लोग को ये समझना चाहिए, मुसलमान भी नहीं चाहते कि हिंदू खत्म हो, कोई क्रिश्चियन भी नहीं चाहते हिंदू खत्म हो, खाली कांग्रेस ही चाहते कि हिंदू खत्म हो जाए।
तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा जब भी कुछ कहते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। कई दफा ये बोल चुके हैं कि नए भारत को मदरसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मानते हैं कि कथित मदरसों में देश की युवा पीढ़ी को गुमराह किया जाता है। वहीं अब सनातन पर डीएमके समेत कांग्रेसियों को आईना दिखाने वाले बिस्वा ने बहुविवाह पर रोक लगाने का भी ऐलान कर दिया है। असम में वो बहुविवाह पर रोक लगाने जा रहे हो, जिसको लेकर उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर अपडेट। हमें अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 146 सुझाव बिल के पक्ष में हैं, जो मजबूत जन समर्थन का संकेत है। हालांकि 3 संगठनों ने विधेयक पर अपना विरोध व्यक्त किया है। अब हम प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार करना है, जिसमें लव जिहाद का मुद्दा भी शामिल होगा। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में हम इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने में सक्षम होंगे। तो देखिए, देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस प्रकार देखिए धर्म के मुद्दे पर मुखर होकर हमेशा बोलते हैं, मदरसों और बहुविवाह का विरोध करते आए हैं, उसे देखते हुए क्या हेमंता में देश के भविष्य को देखा जा सकता है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा योगी से भी आगे निकल गए हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं हो। सनातन अपने आप में प्राचीन है। सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है, ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सनातन अपने आप में एक प्राचीन धर्म है। जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। ये उस मंत्री का जो वक्तव्य है, पूरा सनातन धर्मावलंबी जो विश्व कहने को भागों में रहते हैं, वो सभी इससे उद्वेलित हैं और आंदोलित हैं। सबको बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे संविधान की शपथ लेने के बाद मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं। शूद्र राजनीति है कि भारत देश गुलाम होने के बाद यहाँ पर जो शिक्षा नीति लागू की गई है, उसके कारण से इसे उदय निधि स्टालिन जैसे ही जो है खरपतवार हमारे भारतवर्ष में पैदा हो गए हैं, जो कि हमारे सनातनी होने के उपरांत भी उनको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, उनकी मानसिकता को कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये लोग सदैव से इनकी अभिलाषा रही कि सनातन को जो है नष्ट भ्रष्ट करने का। ये उदय निधि स्टालिन ऐसे ही लोग हैं और जो उनको जो है विपक्षी जो वामपंथी लोग हैं वो लोग एकत्रित होकर आज उनको नेता बना दिया भारतवर्ष का जो है। और ये लोग जो है मात्र भारत को जो है डुबाने का और भारत को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम सनातनियों को बर्बाद करने का खुलेआम कह रहे हैं। इनके ऊपर जो है बल्कि मुकदमा होना चाहिए। जो जितने सनातनी है आज भारतवर्ष में, जो सनातनी का मूल स्थान है, यहाँ पर सनातनी ही जो है आज अल्पसंख्यक है पूरे विश्व के हिसाब से। और भू के तुलना के हिसाब में देखिए कि कितना बड़ा भूक्षेत्र भाग था हमारा, आज छोटा करते करते संकीर्ण करते इतना छोटा हो गया। उसके बाद भी वामपंथी लोग जो भारत के टुकड़े होंगे करके कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो है उदय निधि स्टालिन जैसे। इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की मैं मांग करता हूँ। और इनको किसी, ये लोग सनातन के ऊपर तमाम तरीके का आक्षेप लगाते हुए चले जा रहे हैं और हम सनातन इतना सहिष्णु इतना ज्यादा बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ये लोग हम लोगों को, इन लोगों की मानसिकता शुरू से ही सनातनियों को नष्ट करने की रही है। आज ये खुलेआम बोल रहे हैं। इसलिए जितने भी सनातनी सारे लोग एकत्रित रहें, अपने अस्तित्व को बचाएं, अपने भारतवर्ष की गरिमा को बचाएं। और ऐसे लोगों को जो है जो सनातन के विरुद्ध हैं, उन सभी को बल्कि देश के बाहर निकालना चाहिए इन लोगों।